धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय नवजोत कौर मैम का, पीसीएस ऑफिस का डायरेक्टर डेवलपमेंट यूपी चंडीगढ़, और हमारे कॉलेज फ्रेंड के साथ जो करार हुआ है वो इसी तरह से बहुत पॉजिटिव नोट पे चलता रहे, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम का हमें यहाँ पधारे। कंप्यूटर है चाहे कुछ भी है, तो आप उसी टाइम थोड़ा सा पीछे को वैसे करके देखोगे तो आपको साथ ही साथ रिलीफ मिलेगा। आपने योग देखा होगा, जैसे अभी बच्चों ने किया है, हम टीवी पर देखते हैं, बाबा रामदेव को देखते हो, ठीक है, कि आसन कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते शुरुआत में, करने को हम सब कुछ कर सकते हैं, पर पहले हमें लगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो हमने सिंपल एक स्टार्ट करना है। क्या करना है? सिंपल, बस कुछ ना करो, करते रहो, बैठे हो ना ऐसे, आप कम से कम फिर भी टीवी देखते हो, टीवी देख ही लेते हैं टाइम जितना मिलता है, बैठे हो ना पैरों को, ठीक है, सिंपल आपने पैरों को मोड़ दिया, सीधे कर लिया, ठीक है, अपनी लेग को सीधा कर लिया, मोड़ लिया, कहीं भी आप बैठे हो 10 मिनट बाद अपना जो पोस्चर है ना वो चेंज कर लो, अगर बैठे हो खड़े हो जाओ, 10 कदम चलो वापस आकर बैठ जाओ, सिंपल सिंपल छोटी छोटी आप करके देखना कि आपको 10-15 दिन बाद ही अपने आप में, अगर आपको बैकएक है, अगर आपको गर्दन की दर्द है, अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, आपको लगेगा कि बैक पे हमेशा हम ऐसे करें खड़े रहें, आप थोड़ा थोड़ा आगे को झुकना, पीछे को झुकना, साइड में झुकना, दिन में आप 5 से 10 मिनट सिर्फ सिंपल इतना ही आप करोगे तो आपको जब चेंज लगेगी ना, आपको खुद को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि योग भी ऐसे है, मेडिटेशन भी ऐसे, ना तो मेरे लेक्चर देने से आपको कोई फ़र्क पता चलेगा, ठीक है, ना ही सुनने से कुछ पता चलेगा, जब तक आप इसको करके नहीं देखोगे। हाँ, कहना बहुत आसान होता है, पर ये भी है कि हम टाइम निकाल भी सकते हैं, और आजकल तो वैसे ही फ़ोन पे आपने देखा है इतनी वीडियोज़ आती हैं, इतना कुछ आता है, वो बताते रहते हैं, हम बैठ कर उसको देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, उसको सुनने में देखने में हम आधा पौना घंटा घंटा लगा देते हैं, पर उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। अगर उसमें से हम दो चीज़ें भी सुन लें और दो ही करके देखें, अपने पे अप्लाई करके देखें, तो 100% यकीनन सेहत के साथ साथ जो हमारा स्पेशली लेडीज़ के यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बर्डन है, सबके है, ठीक है, छोटी बच्चियाँ हैं, अनमैरिड है, मैरिड है, आगे वो मदर इन लॉ बन गई, आगे किसी की सास, जो भी है, किसी भी रिश्ते में है, सबके दिमाग में एक बर्डन है, ठीक है, तो वो जो एक प्रेशर है ना, हमें लगेगा कि जी हमने फालतू ही प्रेशर पाल रखा था, वो हमारी सांस के साथ ही धीरे 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 निकलना शुरू हो जाएगा बाहर, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमें ये पता होता है कि हमारे पड़ोस में बेल बजी है, कोई आया है, हम देख भी लेते हैं कि कोई आया जा गया है, बट हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि हम जब श्वास ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जब सांस छोड़ रहे हैं,
कभी उस पर ध्यान दिया? वो अपने आप ही बस वो परमात्मा की देन है कि जब तक चली जा रही है, जब बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। हमने कभी भी आज तक बैठ कर नहीं देखा होगा कि मेरे को सांस में गहरी ले रही हूँ, मेरे को सांस चढ़ी हुई है, मैं जल्दी सांस ले रही हूँ, कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। हम सिर्फ इसी पे ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारी आधे से ज़्यादा शारीरिक और साथ साथ हमारी मानसिक जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हों। और ये गारंटी है, आप चाहे आज से यहाँ से जाकर 5 मिनट के लिए शुरू करना, तो आप एकदम खुद कॉलेज में आकर, जो जैसे बता रहे थे कि सुबह से लेकर हमारी शाम तक क्लासेस चलती हैं पब्लिक की, क्योंकि हमारे पास पब्लिक आती है, ठीक है, तो वो खुद ही हमें बताते हैं कि मेरे को इस चीज़ का फ़र्क पड़ा, मेरे को इस चीज़ का फ़र्क पड़ा, मेरा ये ठीक हुआ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनको ये यूट्रस की ये PCOD जो आजकल वर्ड बहुत ज़्यादा चला हुआ, पहले नहीं होता था, बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो खुद बता रहे हैं कि हाँ हम ठीक हुए सिर्फ योग करने से। तो जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, ना भी मिले तो निकाल लो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके लिए अलग कहीं कमरा, अलग हॉल, अलग कपड़े, कुछ नहीं अलग चाहिए, सिर्फ सिंपल खड़े खड़े बैठे बैठे, ठीक है, आप ऐसे बैठे हो, लेग्स को सीधा कर लो, मोड़ लो, पैर घुमा लो, ब्लड सर्कुलेशन को हमने बनाकर रखा, ठीक है। हम बैठे बैठे खड़े खड़े एक जगह क्या है, अपने ब्लड सर्कुलेशन को ना रोक रहे हैं वहीं पर, और जैसे उसमें जो गंदगी है जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं वो वही है, हम उनको सफाई का मौका नहीं देते, ठीक है। जैसे नाली है उसमें हम जब पानी डालेंगे, ठीक है, झाड़ू लगाएंगे तभी वो साफ़ होती है ना, नहीं तो खड़ा पानी वैसे ही खड़ा है, गंदगी खड़ी है उसमें, खड़ी है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको वहाँ से चलाने के लिए, उस कूड़े को बाहर निकालने के लिए। तो सेम अपने जो है बॉडी है, अपने शरीर के साथ भी ऐसा होगा, और ऐसा होता भी है। और कहने को हम कह देते हैं कि हम घर का सारा काम तो करते हैं, सारा दिन तो काम करते हैं, वो हम काम ना, आप मानो चाहे ना मानो, आप खुद ही बता देना आप कितना का आप इंजॉय करते हो उस काम को। खाना बनाते हो, कुछ भी कपड़े धोते हैं, सफाई करते हैं, कुछ तो हम प्रेशर में कर रहे होते हैं ना, कुछ टाइम देखकर कर रहे होते हैं, कुछ मजबूरी में कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सब बड़े खुश होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, कहने को हम काम कर रहे हैं, खुश बिल्कुल नहीं है वो, जहाँ तो अपनी एक ड्यूटी है बस वो पूरी करने के लिए भी हाँ करना है हमने काम। तो ये जो योग है या थोड़ी सी एक्सरसाइज है ना, जो भी है वो हम अपने लिए करेंगे, हम किसी के लिए नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। खाना भी दूसरों के लिए बनाते हैं, ठीक है, उनको दुल्हे दुलाए घर वालों को कपड़े चाहिए इसलिए धोते हैं, घर वालों को घर साफ चाहिए इसलिए करते हैं, ठीक है, अपने लिए क्या करते हैं। तो अपने लिए यही एक है, अगर हम इसको शुरू कर दें, 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, वो अपने लिए होगा, वो किसी के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए होगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो आप मेरे से शायद प्रॉमिस करो, एक वादा करो कि हाँ आप करोगे आज के बाद। करते हो, पहले करते हो? कौन कौन करते हैं योग एक्सरसाइज रूटीन में? तो आपको तो फिर पता होगा इसका फ़ायदा है, फ़ायदा है ना। हाँ, जो करते हैं वो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं करते वो आज से शुरू करें, ठीक है। जो हम हल्का कहते हैं ना, मेरे को माइग्रेन है, मेरे को सर्वाइकल है, ये 5 ही चीज़ें हैं जो सब बोलते हैं, मेरे को थायराइड है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को शुगर है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये अपनी बनाई हुई बीमारियाँ। हाँ, कोई भगवान ना करे कि कोई ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी हड्डी टूटना अलग बात है, ठीक है, बट हम बैठे बैठे अपनी हड्डियों को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम खुद जिम्मेवार हैं, उसके लिए कोई और ज़िम्मेवार नहीं है। तो योग इसमें आपकी मदद करेगा और आप अच्छा फील करोगे, अगर करोगे तो डेफिनेटली अच्छा फील करोगे। और करने के बाद जितने भी दिन आप यहाँ पे आओ, जितने दिन करो, हो सके तो हमें कभी बताना कि हाँ हमें ये करने के बाद फ़र्क पड़ा। आप तो चल मैम आते हो ना किसी पब्लिक क्लास में कि नहीं? हाँ, पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे देखा था। मैम आई थी 2 साल। अच्छा, लॉकडाउन से पहले भी? अच्छा, लॉकडाउन से पहले आते थे। हाँ, तो कई बार लगता है कि जैसे वो लग रहे थे कि जैसे मैम आते हैं, ठीक है। तो फिर रोशन सर आपको आगे करके बताएंगे इसका।